हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गलेक्सी F15 5G में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पहले वाली जो ऑप्शन है स्क्रीन लॉक टाइप, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर पैटर्न सेट कर लेती हूँ। पैटर्न पर क्लिक करेंगे, पैटर्न ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यू, फिर से ड्रॉ करेंगे एंड देन कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अब आपको अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, ऐसा करके आपको धीरे धीरे अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है, आपको इसे पूरा फिल करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है। एंड देन आपको यहाँ पर नीचे डन पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से डन पर क्लिक करेंगे, फिर से डन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा।